ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे भगवान कृष्ण के जो 64 आध्यात्मिक गुण हैं उनके बारे में वर्णन हमने प्रारंभ किया था। पहला गुण हमने जिसकी चर्चा की थी कि भगवान का जो दिव्य रूप है, भगवान के जो शरीर के अंग हैं वो अत्यंत सुंदर हैं। तो हम देख रहे थे भागवत में उसका क्या विवरण दिया है। बड़ा सुंदर वर्णन बताया गया है कि भगवान का जो मुख है वो एक तुलना के बराबर बताया गया है, क्योंकि भगवान के सुंदरता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक आइडिया, एक विचार मात्र समझने के लिए ये तुलना की गई है कि भगवान का जो चेहरा है, भगवान का जो मुख है, करोड़ों चंद्रमाओं के बराबर सुंदर है। इसी प्रकार से कहा है कि भगवान की जो जंघा है उसकी तुलना की गई है कि वो इतनी ताकतवर हैं मानो हाथी का जो सूंड होता है, अत्यंत ताकतवर होता है। आपने देखा होगा हाथी अपने सूंड के द्वारा जंगलों के अंदर में बड़े बड़े लकड़ी के जो पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनको भी उठा लेता है। भगवान की जो दो भुजाएं हैं उसकी तुलना की गई है मानो स्तंभ के बराबर है, अंग्रेजी में जिसे हम पिल्लर कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। तो भगवान की भुजाएं उस प्रकार से ताकतवर हैं। भगवान की जो छाती है वो अत्यंत विशाल है, जैसे मानो आपने देखा होगा बड़ा दरवाजा होता है, डोरवे जिसे कहते हैं, उस प्रकार से भगवान की छाती विशाल है। भगवान की जो हथेलियां हैं वो कमल के फूल के बराबर कोमल हैं। भगवान की जो धड़ है, जो शरीर का जो धड़ जिसे बोलते हैं, वो एक प्रकार से छत के बराबर जो है ऊंचा है। तो इस प्रकार से जो है भागवत के अंदर में भगवान के सुंदर रूप का वर्णन किया है और उसकी तुलना इस भौतिक संसार के अलग अलग सुंदर और ताकतवर पदार्थों के साथ में, उन चीज़ों के साथ में की गई है। इस विषय में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है जहाँ पर जब भगवान कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए थे कंस की हत्या करने के लिए। तो जब कृष्ण और बलराम वहाँ पर अखाड़े में उतरे तो उन्होंने देखा कि उनसे युद्ध करने के लिए चाणूर है, मुष्टिक है और अन्य मल्ल योद्धा हैं। तो वहाँ पर कंस इस मल्ल युद्ध को देखने के लिए आया था। कंस का क्या विचार था कि
इस मल्ल युद्ध के बहाने कृष्ण और बलराम को यहाँ पर बुलवाया जाए, और जब कृष्ण बलराम मथुरा में प्रवेश करेंगे तो एक जो मथवाला हाथी है कुवलपीड, उसके द्वारा उनको कुचल दिया जाए, और जब वो संभव ना हो सका और कृष्ण और बलराम ने मिलकर के जो है कुवलपीड हाथी का वध कर दिया, उसके बाद में जब वो अखाड़े में उतरेंगे तो ये उसकी दूसरी योजना थी कंस की, कि भगवान को वहाँ पर चाणूर और मुष्टिक जैसे जो अनेक मल्ल युद्ध करने वाले योद्धा हैं, जो हजारों हाथियों का जिनके अंदर में बल बताया जाता है, उनके साथ में युद्ध करने के पश्चात उनकी मृत्यु निश्चित है, ऐसा सोच करके उसने मल्ल युद्ध की ये प्रतियोगिता वहाँ पर लगाई थी। तो इस प्रतियोगिता को देखने के लिए मथुरा वासी जो है वहां पर आए थे। तो मथुरा की जो स्त्रियां थी वो देख रही थी कि भगवान के अंग जो हैं अत्यंत कोमल हैं, और भगवान अभी जो है एक बालक के रूप में है, और यहां पर ये जो मल्ल योद्धा हैं जैसे चाणूर हैं मुष्टिक हैं वो सब बड़े वयस्क हैं, और उनका शरीर जो है इतना विशाल नजर आता है, इतना विशाल दिखाई दे रहा है। तो उस समय में ये मथुरा की जो स्त्रियां थी ये कहती हैं कि ये तो एक प्रकार का न्याय नहीं है। यहां पर कंस की सभा में कंस ने जो ये प्रतियोगिता लगाई है ये बिल्कुल अन्याय है इनके साथ में, बालकों के साथ में, क्योंकि हम जो हैं इन बालकों की सुंदरता को देख करके इतने इसकी तरफ आकर्षित हैं, और यहाँ पर इतने कोमल ये जो बालक हैं इनके साथ में अब इनको युद्ध करना पड़ रहा है इन बड़े बड़े योद्धाओं के साथ में। तो उस समय आपस में वार्तालाप करते हुए ये मथुरा की जो स्त्रियाँ हैं ये गोपियों के बारे में, जो वृंदावन में गोपी हैं उनके बारे में चर्चा करती हैं कि आज हमारा सौभाग्य बड़ा ही महान सौभाग्य है, लेकिन एक दुर्भाग्य है कि भगवान को हम यहाँ पर युद्ध के समय में देख रहे हैं, इस मल्ल युद्ध में। अन्यथा गोपियों का सौभाग्य देखिए कि अपनी आँखों के द्वारा 24 घंटे वो भगवान की सुंदरता का पान करती हैं। तो गोपियों के बारे में बताया जाता है कि गोपियाँ ब्रह्मा जी के ऊपर जो हैं एक प्रकार से, वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी की जो ये रचना करने की जो शक्ति है उसके अंदर में त्रुटियां हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी को जो है रचना करना इतना बढ़िया प्रकार से नहीं आता है, वो इसके अंदर में इतने जो है जिसे हम लोग कहते हैं ना एक्सपर्ट, दक्ष नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो वो कहती हैं कि भगवान के रूप को पान करने के लिए हजारों लाखों करोड़ों आंखें भी कम हैं, और ब्रह्मा जी ने हमें जो है कितनी आंखें प्रदान की हैं, 2 आंखें मात्र प्रदान की हैं, और उसके साथ में 2 आंखें भी दी हैं, और उसके साथ साथ में ब्रह्मा जी ने जो है पलक बना दी है। पलक क्या है, कुछ क्षणों के लिए झपकती है तो उस समय हमें जो है दिखाई नहीं देता है, जब हम लोग पलक झपकते हैं तो जिस दृश्य को हम देख रहे हैं कुछ क्षणों के लिए हम देख नहीं पाते। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी को जो है हम भगवान की सुंदरता का पान करने के लिए 2 आंखें मात्र दी हैं, और वो भी पलकों के साथ में जो हमेशा झपकती रहती है, इसलिए ब्रह्मा जी को जो है सही प्रकार से रचना करनी नहीं आती है। तो एक बड़ा सुंदर श्लोक वो कहती हैं गोपियों के बारे में, बड़ा समझने लायक है, हम उसकी थोड़ी जो है उसको समझने का प्रयास करेंगे। वो कहती हैं गोप्यस्तपः किम अचरन यद अमुष्य रूपम, वो कहती है कि गोपियों ने क्या तपस्या की थी, किस तपस्याओं का आचरण किया था कि वे भगवान के इस दिव्य रूप का पान करने में लगी रहती है हमेशा। गोप्यः तपः किम अचरन यद अमुष्य रूपम, और वो कहते हैं कि ये रूप कैसा है,
ये कोई आम रूप नहीं है, भगवान का जो रूप है अत्यंत सुंदर रूप है। और वो बताती हैं इसके अंदर में 6 बड़े मुख्य प्रमुख लक्षण हैं भगवान के रूप के अंदर में। वो क्या क्या है, वो कहते हैं लावण्य सारम, मतलब भगवान सुंदरता का सार है। उनका जो रूप है वो सभी प्रकार की सुंदरताओं का सार है। लावण्य सारम असम ऊर्ध्वम, भगवान की सुंदरता की बराबरी, उनके रूप की सुंदरता की बराबरी ना तो कोई उसके बराबर है, असमा मतलब उसकी कोई बराबरी नहीं है, और असमा ऊर्ध्वम और उससे कोई ऊपर भी नहीं है, मतलब ना कोई भगवान की रूप की सुंदरता की बराबरी कर सकता है और ना भगवान की सुंदरता से बढ़ कर के किसी और की सुंदरता है। और क्या कहते हैं अनन्य सिद्धम, भगवान की सुंदरता जो है वो किसी ने बनाई नहीं है। मतलब जैसे अगर हम लोग देखें हमारी सुंदरता के पीछे बनाने वाला ब्रह्मा जी हैं, हमारे कर्म के अनुसार हमें जो है शरीर प्रदान किया जाता है। किसी की नाक चपटी होती है, कोई भद्दा दिखता है, कोई थोड़ा सुंदर दिखता है, तो हमारा बनाने वाला, हम लोग बोलते हैं ना कि इसको देखिए क्रिएटर ने कैसा बनाया है, रचना करने वाले ने इसका रूप कैसा बनाया है। लेकिन भगवान के रूप की रचना करने वाला कोई नहीं है। उसके बारे में क्या कहा है, भगवान का रूप क्या है, अनन्य सिद्धम मतलब अपने आप में ही है, भगवान का कोई बनाने वाला नहीं है। स्वयं भगवान का रूप हमेशा के लिए सनातन रूप से उस प्रकार का है। और कहते हैं दृग भी पिबंती अनुसाव भिन्नम, मतलब जो भी इस रूप के सुंदर रूप का जो पान करता है अपनी आंखों के द्वारा, उसकी भूख जो है इसको पीने के लिए हमेशा बढ़ती रहती है। इस भौतिक संसार में आप देखेंगे हमारी नज़रें जो हैं एक सुंदरता से बाद में थोड़े दिनों के बाद में हम लोग जो हैं ऊब जाते हैं और बाद में कुछ और देखना चाहते हैं, लेकिन भगवान की सुंदरता उस प्रकार की नहीं है। हमेशा भगवान की सुंदरता बढ़ती रहती है। हमारी प्यास भगवान की सुंदरता को देखने के लिए हमेशा बढ़ती रहती है। इस प्रकार की जो है भगवान की सुंदरता है। और कहते हैं दुरापम, भगवान के इस रूप को देखना कोई आसान कार्य नहीं है। गोपियां अगर 24 घंटे भगवान के इस जो है सुंदर रूप के दर्शन कर रही हैं, उसका पान कर रही हैं भगवान की सुंदरता का, तो ये बहुत भाग्यशाली हैं। अन्यथा भगवान के रूप के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है, दुरापम। और कहते हैं आखिरी में वो कहते हैं एकांत धाम यशः श्रिया ऐश्वर्या, भगवान एक एकांत धाम, एक ऐसे धाम है जिनके अंदर में यश श्रिया और ऐश्वर्या, जितने भी अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं इस भगवान के रूप के अंदर में सब कुछ एक साथ विद्यमान है। तो ये जो है बड़ा सुंदर वर्णन मथुरा की स्त्रियां गोपियों के बारे में करती हैं। और वो सोच रहे हैं कि हम तो बड़ी दुर्भागी हैं कि आज हमें ये अवसर मिला जरूर है कि हम भगवान के दर्शन का, अद्भुत रूप के दर्शन का पान कर सकें, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम उनके दर्शन का पान उस समय में कर रही हैं जब भगवान जो हैं कृष्ण और बलराम एक मल्ल युद्ध में, और वो भी किनके साथ में, चाणूर मुष्टिक जैसे जो बड़े बलशाली हैं और भगवान के सारे अंग अत्यंत कोमल हैं, उस समय में हम भगवान के जो है दर्शन कर पा रहे हैं, और वो भी कुछ समय के लिए जब भगवान वृंदावन से मथुरा में यहाँ पर आए हैं। तो ये भगवान की सुंदरता के बारे में बताया है। अगला भगवान का जो गुण, सेकंड क्वालिटी जो है
वो बताई जाती है कि भगवान के शरीर के अंदर में अत्यंत शुभ लक्षण है। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने आप को भगवान का अवतार कहते हैं। भगवान का अगर कोई अवतार होता है उसके बहुत सारे लक्षण होते हैं, ये हमें समझना है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये बताया जाता है कि भगवान के जितने भी अवतार हैं उनका उल्लेख वेदों के अंदर में किया गया है। जैसे यहाँ तक भी बताया गया है कि कलयुग में, कलयुग के अंत में जब कल्कि के रूप में भगवान अवतार लेंगे, वो किसके घर में जन्म लेंगे, कौन सी जगह पर वो जन्म लेंगे, उनका कार्य क्या रहेगा, इन सब का उल्लेख वेदों के अंदर में दिया है। भगवान कलयुग में जब पशुओं के ऊपर अनेकों प्रकार के जब देखेंगे कि उन्होंने जो है लोग अत्याचार कर रहे हैं, तब बुद्ध का जन्म लेंगे, ये 5000 साल पहले भागवतम में लिखा गया है। बुद्ध का जन्म आज से लगभग 2500 साल पहले हुआ था, वो भी भगवान के अवतार होंगे। तो और अन्य जो लक्षण बताए जाते हैं, शरीर के भी लक्षण होते हैं, वो भी बताए जाते हैं, वो अत्यंत शुभ लक्षण होते हैं, और इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।